हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और तो वो है जो सैमसंग का M2 जो सीरीज़ आई है, M सीरीज़ जो आई है, तो दोस्तों उसी के बारे में कि जो उसमें मार्केट मतलब कि किस टाइप से रहेगी, और दोस्तों उसके जो कॉम्पिटिटिव है जो मार्केट में इसमें है, और जो प्राइस मतलब कि क्या एक्सपेक्टेड है होनी चाहिए, और अगर किस प्राइस पे मतलब कौन से जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो सैमसंग मतलब की सीरीज़ अपने लिए ही काफ़ी मुश्किल क्रिएट कर रही है, जैसे कि दोस्तों आपके पास S सीरीज़ है और नोट सीरीज़ है, दोस्तों वो दोनों ही फ्लैगशिप सीरीज़ है, लेकिन दोस्तों जो एडवांसमेंट होती है वो भी इक्वली है लगभग। दोस्तों कुछ एडवांसमेंट मतलब कि नोट में कई बार ज़्यादा देखने को मिलती है और कई बार S में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो उसकी S सीरीज़ है, तो दोस्तों वो काफ़ी मतलब कि ऐसी सीरीज़ है जो कि लोग काफ़ी कम यूज़ करना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों जो नोट सीरीज़ उसके, तो दोस्तों वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो नोट सीरीज़ में उसके साथ एक पेन मिलता है, तो दोस्तों वो काफ़ी मतलब कि इंटरेस्टिंग बन जाता है, और जो उसमें मतलब कि इनोवेशन होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों जो S सीरीज़ है उसमें वो बेजल लेस ला सकती है, लेकिन दोस्तों जो नोट सीरीज़ है उसमें वो बेजल लेस लाने का कॉन्सेप्ट थोड़ा देर से शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों S पेन की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ रीजंस हो सकते हैं इस तरह से। लेकिन दोस्तों जो उसमें अब M सीरीज़ आई है, तो दोस्तों वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दोस्तों जो उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है वो अपने ही सीरीज़ को की है, जैसे कि जो सैमसंग के पास A सीरीज़ है और जो सैमसंग के पास आपकी J सीरीज़ है, तो दोस्तों अगर M सीरीज़ इसके बीच में आती है, तो दोस्तों काफ़ी मतलब कि मुश्किल हो सकती है M सीरीज़ के लिए, क्योंकि दोस्तों M सीरीज़ के पास ना केवल ये मतलब कि कॉम्पिटिटिव है, लेकिन दोस्तों उसके साथ शाओमी और रियलमी और एसोस भी मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मार्केट शेयर मतलब कि सैमसंग का, वैसे तो ब्रांड काफ़ी अच्छा है, लेकिन लोग उसको फ्लैगशिप के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि कोई बजट रेंज और मिड रेंज के लिए। लेकिन दोस्तों जो M सीरीज़ है वो मतलब कि कुछ अलग कर सकती है और काफ़ी मतलब कि अच्छे प्रोडक्ट्स ला सकती है मार्केट में, लेकिन दोस्तों फिर भी जो शाओमी है और जो वन प्लस है, तो दोस्तों उससे टकराना मतलब कि काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों ब्रांड जो उसकी ब्रांड वैल्यू है वन प्लस और शाओमी की, वो मतलब कि काफ़ी अच्छी है मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन्स में। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें तो फ्लैगशिप में, तो सैमसंग मतलब कि एप्पल के बाद, और सैमसंग तो दोस्तों काफ़ी मतलब कि रिच है फ्लैगशिप में। लेकिन दोस्तों अगर आप मिड रेंज और जो बजट रेंज में अगर M सीरीज़ को लाओगे, तो प्रॉब्लम काफ़ी आएगी और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों जो मतलब कि जो कंपनी कस्टमर्स को अच्छा मतलब कि एक्सपीरियंस दे, अच्छे बेनिफिट्स दे और अच्छे जो मतलब कि प्राइस में फ़ोन लाए, तो दोस्तों उसकी और लगभग कंपनीज बढ़ती है, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ ब्रांड जो वैल्यू है, तो दोस्तों वो भी काफ़ी मतलब कि नुकसान पहुंचाती है कंपनीज़ को और फ़ायदा कराती है कंपनीज़ को। तो दोस्तों जिस कंपनी की मतलब कि ब्रांड वैल्यू जितनी अच्छी हो जिस लेवल पे, तो दोस्तों उस टाइप के स्मार्टफोन्स की मतलब कि जरूरत ही उस टाइप की होती है और एक्सपेक्टेशंस भी उस टाइप की होती है। लेकिन दोस्तों जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें मतलब कि अभी तक तो सैमसंग ने उतने अच्छे स्मार्टफोन्स शो नहीं किए हैं जो उसकी बजट रेंज है, लेकिन दोस्तों इससे काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि जो उसकी M सीरीज़ है उससे काफ़ी मतलब कि बेनिफिट्स मिले, जैसे कि दोस्तों सैमसंग की J सीरीज़ और A सीरीज़ भी मतलब कि अब लगभग जो उसके जो से J10 स्मार्टफोन है और जो A सीरीज़ के स्मार्टफोन है, उनके प्राइस भी लगभग जो वन प्लस की प्राइस से मतलब कि आसपास है, और दोस्तों वन प्लस में मतलब कि लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी मतलब कि अच्छा स्मार्टफोन है वन प्लस के। लेकिन दोस्तों अब जो मार्केट मतलब कि शो करेगी तो वो कस्टमर्स के ऊपर होगा, तो दोस्तों अगर कस्टमर्स को मतलब कि M सीरीज़ पसंद आती है, तो M सीरीज़ काफ़ी मतलब कि बेनिफिट दे सकती है सैमसंग को। अगर M सीरीज़ मतलब कि कस्टमर को पसंद नहीं आई, तो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये मतलब कि एक स्टेप हो सकता है रिस्क टेकर, अगर दोस्तों ये रिस्क अगर मतलब कि अच्छा रहा, तो सैमसंग काफ़ी मतलब कि डेवलप कर सकती है बजट और मिड रेंज में। लेकिन अगर दोस्तों ये स्टेप मतलब कि गलत रहा, तो दोस्तों बुरी तरह से गेम बिगड़ सकती है उनकी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरे चैनल बी टेक, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।